तो हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट टाइम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो फाइनली जो भी स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया बीसीसी के द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि भैया बीसीसी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, आखिर कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, तो सोचे हम कि एक ही वीडियो में जितना है पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे, तो उसी के हिसाब से हम वीडियो बना देते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको बीसीसी रिलेटेड जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाए तब तक हम आपके साथ हैं लास्ट तक। अगर कोई भी आपको दिक्कत होता है किसी भी चीज़ से भी रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, तो अभी तो काउंसलिंग नहीं होगी, फॉर्म भरने से रिलेटेड या कुछ सी भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर एग्ज़ाम कैसे पास करना है, तो हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप हम इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं अभी हम हैं बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट पैरामेडिकल का फॉर्म फिल कर चुके होंगे, अब बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी नहीं किए हैं, मतलब पैरामेडिकल का फॉर्म बहुत सारे स्टूडेंट फिल कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं किए हैं। तो अगर जो नहीं किए हैं तो 16 तक शायद डेट है, तो 16 तक आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि अगर होता तो ज़्यादा लेट न मत कीजिएगा, क्योंकि फॉर्म है बीसीसी पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि कब क्या कर सकता है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट अपन आपको बता दें कि आखिर कितने अभी फॉर्म आ चुके हैं। तो अभी आप देख सकते हैं बीसीसी से ऑनलाइन जो एली वाले होते हैं, इंजीनियरिंग लेटर इंजीनियरिंग, उनका आ गया है, डीसी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और ड्रेसर वाले का भी आ चुका है, और डीसीसी एली जो ये भी इंजीनियरिंग होता है, ये डिप्लोमा लेटर होता है, उनका भी हो गया है, आईटीआई आ गया है। और आप देख सकते हैं ये जो है ये रिकॉर्ड सर्वे का है, तो इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। तो आखिर हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल है तो इनके बारे में कुछ डिटेल बता दें। तो आप जानते हैं कि हाँ, इसको थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं, आप लोग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमारी यूट्यूब पर जाए, कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में कमेंट कीजिए, हम उसका सोल्यूशन ज़रूर बता दें। अब हम बात करते हैं पैरामेडिकल की। पैरामेडिकल में हम बता चुके हैं कि हाँ, इतना एग्ज़ाम 90 नंबर के, इसके पहले वाला हमें वीडियो जाकर आप देख लीजिएगा, 90 क्वेश्चन आता है, 450 नंबर का होता है, ये पहले हम बता चुके हैं। तो आखिर हम बात करते हैं इसको, आप इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं और आप एक डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप जीएनएम एएनएम गर्ल्स लोग कर सकती है और बॉय लोग फार्मेसी कर सकते हैं। बॉय लोग जो होता है डी फार्मा, यहाँ पे डिप्लोमा फार्मेसी होता है, डी फार्मा कर सकते हैं, डीपीटी कर सकते हैं, यानी डीपीटी यानी कि डिप्लोमा यानी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ओटी कर सकते हैं, डीओटी कर सकते हैं, डीएलटी डीएमएलटी कर सकते हैं, यानी कि लैब टेक वगैरह आप लोग ये सब कोर्स कर सकते हैं। इसके थ्रू बहुत अच्छा वैकेंसी आता है, आप इसके थ्रू अच्छा, इसको करने के बाद आप अच्छा आसानी से जॉब ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, यानी कि ये आप देख सकते हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। अब पैरामेडिकल हो गया, हाँ अब ड्रेसर के बारे में भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ड्रेसर का जो कोर्स होता है, ये कोर्स 1 ईयर का होता है, ये भी 10th लेवल पर, आप अगर आप 10th पास किए हैं तो आप ये 10th लेवल पर है, आप इसे फिल कर दे फॉर्म को, ठीक। और 10th लेवल पर एक अच्छा सा डिप्लोमा सा डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आता है। अब जो ये सॉरी, इसके पहले वाला वीडियो में नहीं बताया कि पैरामेडिकल जो पैरामेडिकल होता है पीएम, ये आप 12th पास हैं तभी ही अप्लाई इसको कर सकते हैं, 12th पास हैं तभी ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स अगर कोई भी स्ट्रीम है तो वो चलेगा। यहाँ पे जो है ये आप ड्रेसर का कोर्स ये 10th पास पर अप्लाई कर सकते हैं, और पैरामेडिकल इसको आप 12th लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटेक्निक, यानी कि पीई पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो होता है, आप इसको 10th पे अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास हो गए हैं, अगर 10th पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आसानी से, जिसमें आपको आसानी से जॉब मिलने की चांस रहती है। जैसे कि आप सिविल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, सिविल ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ले सकते हैं, इसी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ले सकते हैं, मतलब मैकेनिकल ले सकते हैं, इसमें भी फूड कॉरपोरेशन बहुत सारी मतलब एक डिप्लोमा कोर्स
होता है और आप इस कोर्स को अच्छाने से आप जॉब पा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा वैकेंसी है, अभी 10,500 पे प्लस पे आया है सीट, तो आप इस फॉर्म को करके आप एक डिप्लोमा डिग्री ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, आखिर ये फार्मेसी कर सकते हैं, अब बात करते हैं बी सी ई सी के बारे में। ये तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, बी सी ई सी ई ये जो होता है, ये हद 12th लेवल पर अगर आप PCM और PCMB से हैं, PCM और PCMB से हैं, तो आप इस कोर्स को आसानी से कर सकते हैं और ये कोर्स करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये स्ट्रीम से पास है तो। लेकिन हम बात करते हैं जब आप PCM से हैं तो आप फार्मेसी के लिए, यानी कि बी फार्मा, इसमें बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए आप एलिजिबल रहिएगा, ठीक। अगर आप फार्मेसी के लिए, अगर PCM से हैं तो आप एग्रीकल्चर के लिए भी एलिजिबल है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, ये सारी कोर्स है, तो आप इस कोर्स के लिए भी एलिजिबल रहिएगा। अब हम बात करते हैं PCB वाले हैं जिसमें सबसे पहला उनका चॉइस होता है BSc नर्सिंग का, तो BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं PCB वाले, और OT कर सकते हैं, लैब बैचलर, ये सारा कोर्स जो है ये सब बैचलर कोर्स है, ठीक है। OT कर सकते हैं, लैब कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, और क्या एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फार्मेसी, PCB वाले फार्मेसी भी कर सकते हैं, यानी कि PCB वाले सभी कोर्स के लिए एलिजिबल रहते हैं। तो आप ये सभी कोर्स को आसानी से कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपका BCEC अगर फेल करना चाहते हैं, बैचलर डिग्री आपको करना है, डिप्लोमा ले चुके हैं, तो BCEC अगर आपको फेल करना है तो आप PCM से तो आप BTEC कर सकते हैं, यानी कि बैचलर डिग्री यानी कि ले सकते हैं, BTEC कर सकते हैं, सिविल से कर सकते हैं, मैकेनिकल से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक से कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छा सा प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि पैरामेडिकल हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, यहाँ पे हम आपको बता दें PMA हो गया, 12th लेवल पे आप PM कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग होता है ये 10th लेवल पर कर सकते हैं, और बात करते हैं PEE जो, ये भी 10th लेवल पर कर सकते हैं, ये भी मेडिकल कोर्स ही है, यानी कि ड्रेसर का, इसको भी आप 10th लेवल पर कर सकते हैं। और BCEC के बारे में जो बताया, BSc नर्सिंग, OT लैब टेक्नीशियन, ये सभी आप कोर्स कर सकते हैं आसानी से। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से अगर कुछ हमसे छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ लीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि BCE से रिलेटेड जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाए तब तक हम आपका साथ देंगे। और रियलिटी के साथ अगर आप भी जिस किसी भी चीज़ के लिए कमी है पढ़ाई में, अगर आपको मोटिवेट नहीं मिल पा रहा है, तो प्लीज़ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, और वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।